हम सबसे पहले रायपुर स्टेशन के लिए निकल गए। मेकअप करता है ज्यादा मेरे को बोलता है। फिर हम स्टेशन पहुंचे और वहाँ पे टिकट ली, क्योंकि अनप्लैंड था, जल्दी जल्दी में प्लान हुआ था, सो ऑलवेज हमने जनरल वाले में ही टिकट ली, क्योंकि ये रायपुर से बहुत पास पड़ता है ये Q2। और हम लोग कुछ कुछ स्नैक्स खा रहे थे, फिर हम दोनों को सीट मिल गई तो हम लोग बैठ गए। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, देखो कितनी लाइटिंग हो रही है मंदिर में। चलो चलो चलो, ये अपना एक्साइटमेंट लेवल तो भाई पहुंच की इतना हाई था, देख ही सकते हो कैसे कूद रहे थे ये। हम लोग खुशी के बारे पागल ही हो गए थे, तो यही है पागल ही हम लोग वैसे भी। हम वहाँ जा रहे हैं और हमें ठंड के मारे बैंड बज रही है। अरे चलो ना, हम लोग को तो लॉन जाना है। अरे बाबा रे। उसके बाद हम अपने रूम के पास आ गए, ये हमारा रूम है, ये लोग घुसने के साथ ही मस्ती कर रहे हैं, देख ही सकते हो आप। नहीं नहीं नहीं, चलो यार, मिरर तो है हमारा तैयार कर दे। तेरा साल तो हो गया। मैम कितना बड़ा वीडियो बनाया? दो ना रे मेरे को भी। ये 10 वाला ही है। The next day. टाइम देखो, टाइम 5:18 सुबह के, अंधेरा है, खिड़की लग गई। हम लोग अभी बिस्तर पे पड़े हुए, पता नहीं कितने टाइम जाएंगे। अभी 5:30 बजे उठेंगे पागल। 5:30 बजे से नहाते धोते तैयार होते सब सो रहे हैं, देखो ये भी सो रहा है और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। हम 4 बजे से उठे, अब तो नींद आने वाली, टाइम भी नहीं बचा ज्यादा। हाँ यार, उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, रेडी होंगे और वो देख चार्जिंग चढ़ाए दीदी का फोन। हाँ, एक और है ना वहाँ पे स्विच, उस पर लगा दो। तो बहन मेरा चार्जर काम नहीं करता, ये पंखा इतना दूर क्यों है बिस्तर से? और एक तो ये टीवी है जो कि हमने चालू करने का सोचा, बट ये काम बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद हम क्यूट रेडी होके निकल गए मंदिर के लिए, तो एक ही दिन का ट्रिप था तो जल्दी जल्दी सब करना था। फिर हम वहाँ पहुँच गए मंदिर के पास, चलते चलते मैं एक जगह रुकी, कितना प्यारा सनराइज दिख रहा था। फिर हमने प्रसाद और श्रृंगार का सामान लिया, फूल लिए। उसके बाद हम वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ था यार यहाँ पे, तो टिकट्स लेने के बाद बाकी। जय माता दी, जस्ट लुक एट द व्यू, उससे आने के बाद भी आपको 100 या 150 सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद जाते जाते छोटी छोटी मंदिर थे जिसमें और माता जी थे, उसके बाद हम चढ़ते चढ़ते माता जी के पास धीरे धीरे पहुंच रहे थे। उसके बाद हम गए तो बहुत भीड़ था यहाँ भी, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था बाकी जगह की तरह, बट बहुत भीड़ था यहाँ भी। उसके बाद हम वहाँ से दर्शन करके नीचे जाने लगे, फिर वहाँ पे 2 दुकानें थी। उसके बाद हम फोटो सेशन के लिए यहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ। अच्छे मस्का मार रही तो संभाल के रखना है इसलिए। फिर हम थोड़ा आराम कर रहे थे, वहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा था चने की, तो वो लिया हमने। उसके बाद हम नीचे चले गए, वहाँ शिव मंदिर है, तो उससे पहले जाते जाते शॉपिंग कर रहे थे हम, तो यहाँ प्यारी प्यारी दुकानें थी। यहाँ भी ऐसे सीढ़ियों में नीचे था जैसे कि ओमकारेश्वर में था, तो मुझे ओमकारेश्वर की याद आ गई, लेकिन वहाँ पे मैंने शॉपिंग नहीं कर पाई इसलिए यहाँ पे कर रही थी। थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए, बहनों के लिए थोड़ा कुछ कुछ लिया। देखिए क्यूट गणेश जी दिख रहे थे। उसके बाद हम शिव मंदिर चले गए, ये भी बहुत फेमस मंदिर है, तो आप यहाँ पे भी ज़रूर आइएगा अगर डोंगरगढ़ जा रहे हैं तो।
उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद हमें भूख लग गई, तो मंदिर में ही प्लेन थाली 20 रुपए की मिलती है। फिर हम लोग खाने के बाद फिर से नज़ारे देखते हुए नीचे जाते हैं। कितना सुंदर है बाय गॉड, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से। फिर हम ऑटो से बैठ के छोटी माता के मंदिर जा रहे थे, फिर हम वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे छोटी माता का मंदिर है, हमारा सामान ऑटो में ही रह गया तो मैं परेशान हो गई थी। यहाँ पे तीन माता के मंदिर है मेन, तीनों बहनें हैं, तो सबसे बड़ी मंदिर पहाड़ की ऊंची चोटी पे है, दूसरी यहाँ पे और तीसरी बहुत अंदर थी तो हम वहाँ नहीं जा पाए। उनके जस्ट लेफ्ट में गणेश जी का मंदिर है जो कि बहुत प्यारा है, सब जगह माता भी थी साथ में। फिर ये प्यारे से शिवलिंग के दर्शन किए, उसके बाद उनके राइट साइड भैरव बाबा का मंदिर था तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। सबके साथ माता जी थी और दुकान पे चाय वाय पीने निकले थे, उसके बाद हमने फ्रूटी ली, गर्मी हो रही थी। फिर हम जा रहे थे पूरी टोली लेके घर जा रहे थे, फिर ट्रेन से हम घर पहुंच गए। दैट्स इट फॉर अ ट्रिप, बहुत मज़ा आया यार मुझे तो, मतलब कि ऐसे ट्रिप होती रहे। तो फिर हम रायपुर पहुंच गए थे, घर जा रहे थे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़बरदस्ती नहीं है ना।